Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying issue of shares and the concept is forfeiture of shares which are issued at par. तो आप क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ो, पढ़ने के बाद हम स्टार्ट करेंगे. तो डैश लिमिटेड फॉरफिटेड 5000 शेयर्स ऑफ ए पर्टिकुलर शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड फॉर 6000 शेयर. क्वेश्चन आपने पूरा पढ़ लिया. किसी शेयर होल्डर ने अप्लाई किया था 6000 शेयर्स के लिए, यानी एप्लीकेशन भेजा था 6000 और उसको हमने शेयर दिया था 5000. क्वेश्चन पूरा पढ़ा, पढ़ने के बाद हमें पता चला कि ही फेल टू पे अलॉटमेंट 5 रुपीज, फास्ट कॉल 2 रुपीज, यानी पेमेंट कितने कराए, 5 + 2 = 7 रुपये नहीं पे कराए. तो हम डिजाइन बना देते हैं रफ वर्क में, वर्किंग नोट में. एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज, अलॉटमेंट मनी 5, फास्ट कॉल मनी 2, टोटल हो गया 10. आई मीन दैट कि हमें ये दोनों दे रखा है, फास्ट कॉल ही फेल टू पे अलॉटमेंट 5, फास्ट कॉल 2, तो 7 रुपये उसने दिया नहीं. तो मैंने क्या किया ना, 10 रुपीज का शेयर है उससे 7 रुपीज माइनस करा, तो दैट मीन्स ही पेड एप्लीकेशन 3, ऐसे निकाला. तो आप समझते होंगे कि सर एप्लीकेशन तो है नहीं, आपने कैसे निकाला. हमने पैसे 10 रुपये तक मांग लिया, उन्होंने अलॉटमेंट 5, फास्ट कॉल 2 दिया नहीं, तो दिया कितना 10 से 3 रुपये दिया और वो 5000 शेयर पे. अब बोर्ड एग्जाम में भी इसी टाइप का डिजाइन बना देना, एकदम जैसे मैंने बनाया है ऐसे ही बना देना, ताकि एक बार क्वेश्चन आपके कॉपी पे आ जाएगा तो आप वहीं से कर सकते हो. देन आप इसे पार्शियल रीशू, ये पार्शियल रीशू मतलब अलर्ट ऐसे हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स इशू टू द पर्सन 5000 और नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम विक्रम 6000. जिसने 6000 एप्लीकेशन भेजा था उसको हमने 5000 शेयर अलर्ट करा है, तो उसने एप्लीकेशन मनी कितने दिया होगा, आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन करना होगा. तो दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट एंड रीशूड, आपने फॉरफिट कर लिया, क्वेश्चन में दे रखा है 5000 शेयर फॉरफिट कर लिया, 3000 शेयर उसे रीशू करा. दिस इज केस ऑफ पार्शियल रीशू. नाउ सी एप्लीकेशन मनी, आपके जो प्रोराटा अलॉटमेंट में आपने 6000 एप्लीकेशन रिसीव किया, 5000 शेयर अलर्ट किया, दिस इज ए केस ऑफ प्रोराटा, 6000 एप्लीकेशन को 5000 शेयर अलर्ट करा. तो उस इस एप्लीकेंट यानी मिस्टर विक्रम ने 6000 का एप्लीकेशन मनी हमें दिया. एक छोटा सा कैलकुलेशन करो, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट्स, विक्रम का एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 6000 × 2, इसको हमने 6000 शेयर अप्लाई करा था और हमने इसको शेयर अलर्ट करा 5000, तो 6000 × 3 इसने दिया होगा 18000 रुपये एप्लीकेशन में दिया होगा, लेस एप्लीकेशन मनी ड्यू. अगर इस एप्लीकेंट ने विक्रम ने 6000 एप्लीकेशन से दिया था, हम 5000 शेयर दे रहे हैं, तो 5000 × 3 3 रखेंगे 15000, उसका बच जाएगा 3000. प्रोराटा का मतलब होता है, मैंने पहले भी समझा चुका हूँ अभी भी बता रहा हूँ, प्रोराटा का मीनिंग होता है जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी वो अलॉटमेंट में डल जाएगा, मतलब ऑटोमेटिकली. तो इसको ऑटोमेटिकली अलॉटमेंट में डलेगा आपके 3000 रुपीज. तो अलॉटमेंट ड्यू उसका होगा 5000 × 5, 25000, और अगर उसने पैसे दिया नहीं तो ही फेल टू पे दिस 22000. आप उसको देख के नहीं बता सकते कि सर यहाँ पे ये तो 5000 × 5 है 25000, नहीं नहीं वो 25000 देना था बट उसने एडवांस में तो 3000 दे दिया था एप्लीकेशन में, तो ये 25000 नहीं, ये 22500 उसने दिया नहीं. नाउ द नेक्स्ट वन इज जर्नल एंट्री. जर्नल एंट्री में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, हमने कितने कॉल किया, कितने पैसे मांगा शेयर होल्डर को, तो 10 रुपये का शेयर है, इट इज फुली कॉल्ड 5000 × 10, 50000 कॉल्ड मांगा, मिला हमें 3 रुपीज, वी रिसीव्ड ओनली दिस एप्लीकेशन मनी. आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, एप्लीकेशन होगा 5000 × 3, 15000, बट दिस इज ए पिकुलर केस, इस केस में हम 6000 × 3, 18000 हमें मिला है. तो इस केस में 5000 × 3, 15000 ना लिख के ये 18000 लिख देंगे, दिस 18000. आपको बता देता हूँ कहाँ से आया, देखो नहीं मिला
अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट 5000 × 5 नहीं, ये टू शेयर अलॉटमेंट जो नहीं मिला 22000 यहाँ लिखो, टू शेयर अलॉटमेंट 22000 दिस केम फ्रॉम दिस प्लेस, क्योंकि इसने प्रोराटा कैटेगरी के था, दिस इज फोरफिटेड अमाउंट, दिस इज अलॉटमेंट इन एरियर। एंड टू शेयर फर्स्ट कॉल 5000 × 2 = 10000, देन नरेशन लिख दो 5000 शेयर फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। इससे क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको रीइश्यू कर दिया, 3000 शेयर रीइश्यू कर दिया 12 रुपए में। यू कैन सी आउट ऑफ दिस 3000 शेयर रीइश्यूड एट 12 पर शेयर एज फुली पेड, फुली पेड मतलब 10 रुपए पेड 12 रुपए में, यानी 10 का शेयर 12 में इश्यू कर रहा है। बैंक अकाउंट डेबिटेड 3000 × 12 36000, मैंने डिटेलिंग भी कर दिया, आपको कन्फ्यूजन होगा। एंड 10 रुपीज का शेयर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे कॉल्ड ऑफ वैल्यू आएगा, जो 10 रुपये ऊपर हमारा कॉल्ड ऑफ वैल्यू था, देखो यहाँ पे मैंने 3000 × 10 कर लिया, दिस केम फ्रॉम हियर 10000 × 3 कॉल्ड ऑफ वैल्यू। और प्रीमियम हो गया 2 रुपये टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, दैट इज 3000 × 2। नरेशन लिख दो 3000 शेयर 12 रुपये में इशू हुआ, दिस इज ए केस ऑफ पार्शियल री इशू, आपने 5000 शेयर फोरफिट करा 3000 शेयर री इशू करा। नाउ अगेन गो टू द वर्किंग नोट एंड दिस इज नोट नंबर 4, दैट इज हाउ टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व इन केस ऑफ अ पार्शियल रीइश्यू, दिस वन। तो दिस इज अमाउंट फोरफिटेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू, दिस इज अमाउंट फोरफिटेड 18000। यू कैन सी अमाउंट फोरफिटेड 18000 बाय नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड 5000 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड 3000 माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू, क्योंकि हमने अभी 10 रुपये का शेयर को 12 रुपये में बेचा, वही रीइश्यू कर दिया 12 रुपीज में, तो हमें 2 रुपये प्रीमियम मिला, तो डिस्काउंट ऑन रीइश्यू इज 0, हमें रीइश्यू में कोई डिस्काउंट दिया नहीं। ये डिस्काउंट ऑन रीइश्यू इज ऑल्सो कॉल्ड शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट बैलेंस, जो कि इस क्वेश्चन में है नहीं। और इसको कैलकुलेट करके हमारा 10800 आया एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, इसको आंसर में यहाँ पे चढ़ा दो, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 10800 बीइंग प्रॉफिट प्रॉफिट एंड फॉरफिटर एंड रीस ऑफ शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। जर्नल को यूजुअली टोटल करते हैं, जो कि आपके लिए कन्वीनियंट है, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर।